मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी के इस लेक्चर में सीमेंट के लिए होने वाले टेस्ट्स के बारे में जानेंगे कि सीमेंट की क्वालिटी को चेक करने के लिए कौन कौन से टेस्ट्स किए जाते हैं। जो हम सीमेंट यूज कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर में कैसी परफॉर्मेंस देगी, उसकी जो है स्ट्रक्चर में परफॉर्मेंस कैसी होगी, तो इसके लिए सीमेंट को जो है कुछ क्वालिटी नॉर्म्स को फुलफिल करने होते हैं। तो जो है कुछ जो सीमेंट की प्रॉपर्टीज हैं वो हम इन टेस्ट्स के थ्रू चेक करते हैं, और ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम सीमेंट में टेस्ट करते हैं। दो तरह के टेस्ट होते हैं, फील्ड टेस्ट एंड लेबोरेटरी टेस्ट। तो इनके बारे में हम डिटेल में जो है इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो दो तरह के टेस्ट्स होते हैं, फील्ड टेस्ट्स एंड लेबोरेटरी टेस्ट्स। फील्ड टेस्ट हम ऑन द साइट ये चेक करने के लिए कि जो है हमारे पास जो अवेलेबल सीमेंट है उसकी क्वालिटी ठीक है या नहीं। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम जो है फील्ड टेस्ट करते हैं बाय फीलिंग द सीमेंट, बाय इट्स कलर, बाय इट्स टेम्परेचर। तो इस तरह के जो है छोटे छोटे टेस्ट्स होते हैं जो फील्ड टेस्ट्स कहलाते हैं, इनके थ्रू हम सीमेंट की क्वालिटीज को चेक करते हैं। लेकिन ये जो फील्ड टेस्ट्स होते हैं ये एक्यूरेट नहीं होते हैं। तो हम जो है एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम जो है फर्दर हम जो है लेबोरेटरी टेस्ट्स करते हैं कि जो सीमेंट है वो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड है या नहीं। तो उसके लिए हमको जो है अगर एक्यूरेटली अगर सीमेंट की क्वालिटी को चेक करना है तो हम लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो फील्ड टेस्टिंग ऑफ सीमेंट्स, क्या क्या टेस्ट्स हम करते हैं एज फील्ड टेस्ट्स? प्रेजेंस ऑफ लम्प्स, कलर, फ्लोट टेस्ट, एडल्ट्रेशन टेस्ट, टेम्परेचर टेस्ट। प्रेजेंस ऑफ लम्प, ये जानने के लिए कि सीमेंट में लम्प्स हैं या नहीं। तो सीमेंट कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी फ्री फ्रॉम लम्प्स। इसमें जो है छोटे छोटे गांठे टाइप्स नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हमको जो है बैग को जो है हम खोलते हैं और जो है विजिबल लम्प्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर लम्प्स है तो इट शोज कि देर इज मॉइस्चर पेनिट्रेशन इन द सीमेंट्स, दैट्स व्हाई दिस लम्प्स हैज टेकन प्लेस। ओके, देन कलर, कलर कैसा होना चाहिए सीमेंट का? इट शुड बी ग्रे फॉर ओपीसी एंड इट शुड बी यूनिफॉर्म। कलर शुड बी यूनिफॉर्म, एक समान कलर होना चाहिए। देन फ्लोट टेस्ट, तो हम सीमेंट लेंगे, थोड़ा सा बैग से निकालेंगे उसको और एक जो है बकेट होती है वाटर की उसके ऊपर उसको डालेंगे। तो बिफोर जो है ये सिंक होगा सीमेंट, इससे पहले इट शुड फ्लोट ऑन द सरफेस, दिस इज फ्लोट टेस्ट। उसके बाद जो है एडल्ट्रेशन टेस्ट, एडल्ट्रेशन की कुछ मिलावट है या नहीं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा सीमेंट को लेंगे उंगलियों के बीच में और इसको रब करेंगे, और ये कैसी फीलिंग हमको देना चाहिए? इट शुड गिव अ स्मूथ फीलिंग एंड नॉट अ ग्रिटी फीलिंग, ऐसे खुरदरापन नहीं आना चाहिए इसमें, जो है स्मूथ फीलिंग होनी चाहिए। देन टेम्परेचर टेस्ट, टेम्परेचर टेस्ट अगर हम सीमेंट को हाथ में लें तो वो हमको कैसी फीलिंग देना चाहिए? इट शुड गिव अ कूल फीलिंग। और इसके अलावा भी हमको जो है सीमेंट के बैक को भी चेक करना चाहिए कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या लिखी हुई है और जो है कौन सी क्वालिटी का है, वो IS क्वालिटी का है या नहीं, वो सब हमको जो है चेक करना चाहिए। अब हम लेबोरेटरी टेस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। लेबोरेटरी टेस्ट में सबसे पहले हम जानेंगे फाइनेस टेस्ट। फाइनेस टेस्ट क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है? फाइनेस टेस्ट जो है सीमेंट का जो है पार्टिकल साइज, उसमें जो ग्रेन साइज है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ग्रेन साइज मतलब स्पेसिफिक सरफेस एरिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। अगर हमारे पास सीमेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो महीन है, फाइनर है, तो जो है सरफेस एरिया जो है
स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा होगा, और अगर कोर्सर साइज में है पार्टिकल हमारे पास तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम होगा। स्पेसिफिक सरफेस एरिया को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द सरफेस एरिया ऑफ पर केजी पर यूनिट मास की, अगर हम 1 kg मास ले रहे हैं, 1 g मास ले रहे हैं, तो जो पार्टिकल का जो सरफेस एरिया है वो कितना है। तो अगर जैसे हम 1 kg में अगर बारीक पिसा हुआ है तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, और अगर थोड़ा सा कोर्सर है तो सरफेस एरिया कम होगा। तो सरफेस एरिया क्यों निकालते हैं हम स्पेसिफिक सरफेस एरिया, कि उससे हमको पता पड़ेगा कि रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी, सीमेंट कितनी जल्दी सेट होगा, कितनी जल्दी जो है स्ट्रेंथ गेन करेगा। तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा है, मतलब बारीक पिसे हुए पार्टिकल हैं, फाइन पार्टिकल्स हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो है हाइड्रेशन के लिए ज्यादा पार्टिकल्स हैं, तो उससे रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाता है, सीमेंट जल्दी सेट हो जाता है। लेकिन एक लिमिट से ज्यादा सरफेस एरिया नहीं होना चाहिए, ज्यादा जो है पार्टिकल साइज एक लिमिट से ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के कारण जो है प्री हाइड्रेशन हो जाता है, जो सीमेंट की क्वालिटी को एडवर्सली अफेक्ट करता है। अब हम कैसे निकालते हैं फाइननेस, इसके लिए हम 90 माइक्रोन CIS सीव लेते हैं, और जो है वेइंग बैलेंस लेंगे, और जो है एक नायलन या प्योर ब्रिसल ब्रश लेंगे। ठीक है, तो अब हम उसके लिए क्या करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है करने का, कि 100 ग्राम सीमेंट ले लेते हैं, और इसको जो है हम हैंड से रब करके, उंगलियों से रब करके, कोई छोटे छोटे अगर इसमें लंप्स हैं तो उसको रिमूव कर देते हैं, तो सीमेंट जो है फ्री ऑफ लंप्स हो जाता है। अब इस 100 ग्राम सीमेंट को जो है हम इसका वेट ले लेते हैं W1, सपोज 100 ग्राम इज W1। अब इसको 90 माइक्रोन सीव से जो है 15 मिनट तक हम इसको हाथों से शेक करते हैं, और उसके बाद जो रेजिड्यू बचता है उसको जो है हम वेट वापस से उसका वेट ले लेते हैं, सपोज दिस इज W2। तो फाइननेस क्या हुआ, W2/W1। तो ये जो रेजिड्यू है ये हमारे पास जो है वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो हम इसके ऊपर जो बचा हुआ है चलने के ऊपर, वो जो सीमेंट का जो हमने वेट लिया है उससे 10% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट क्या होती है, इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट टू दैट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। और क्योंकि जो है सीमेंट पानी के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रेशन हो जाता है, तो हम यहाँ पानी की जगह पे क्या यूज करेंगे, केरोसिन यूज करेंगे। केरोसिन जो है सीमेंट के साथ जो है रिएक्ट नहीं करता, और इसको जो है निकालने के लिए हम जो है कौन सा एपरेटस यूज करते हैं, ली शेटेलियर स्पेसिफिक ग्रेविटी फ्लास्क यूज करेंगे, और केरोसिन जो है हम यूज करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी को ऑब्टेन करने, स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमिन करने के लिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है सीमेंट की वो कैसे निकाली जाती है, कि हम ली शेटेलियर फ्लास्क को जो है सबसे पहले अच्छे से जो है सुखा लेंगे, और जो है इसमें कोई भी लिक्विड या मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, और इसको हम वेट कर लेंगे, सपोज दिस वेट इज W1। उसके बाद हम इसको जो है आधा जो है सीमेंट से इसको फिल कर देंगे, हाफ बॉटल को, इट विल बी अराउंड 50 g ऑफ सीमेंट, और इसको जो है फिर स्टॉपर से क्लोज कर देंगे, और इस पूरे अरेंजमेंट का, दिस सीमेंट एंड दिस फ्लास्क, इसका हम वेट ले लेंगे, सपोज दिस इज W2। उसके बाद हम जो है इसमें क्या करेंगे, केरोसिन से इसको फिल कर देंगे अप टू द टॉप, बॉटल को जो है टॉप तक केरोसिन से फिल कर देंगे, और जो है इस मिक्सचर को अच्छे से जो है हम मिक्स करके शेक करके, ताकि एयर बबल्स निकल जाए, तो इसको जो है हम शेक करेंगे। अब हम अगेन इसका वेट ले लेंगे केरोसिन का, सीमेंट का एंड फ्लास्क का, सपोज दिस वेट इज W3। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे फ्लास्क को जो है खाली कर देंगे, और पूरा जो है इसको हम फिल कर देंगे
केरोसिन से, और इसके बाद इसका जो है हम वेट ले लेंगे, सपोज दिस इज W4। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट जो है हम कैसे निकालेंगे, इसका जो फॉर्मूला है वो होगा, इसको हम Sg से रिप्रेजेंट करें तो Sg विल बी W2 माइनस W1 अपॉन W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.79 से। क्यों? क्योंकि जो केरोसिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो होती है 0.79 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट दैट इज टू बी एडेड इन सीमेंट टू अटेन स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी और नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की या नॉर्मल कंसिस्टेंसी की सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए हमको कितने पानी की जरूरत है वो हम किससे निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट के थ्रू। ये एक तरह से इंडिकेट करती है कि कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए, सीमेंट पार्टिकल्स के कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए हमको कितने जो है मिनिमम वाटर की क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर ज़्यादा जो है पानी हम मिलाते हैं तो वाटर सीमेंट रेशो जो है ज़्यादा हो जाता है, उससे जो है हम जो कंक्रीट जो बनाएंगे सीमेंट से उसकी स्ट्रेंथ कम मिलेगी, या अगर हम कम पानी मिलाते हैं तो क्या होगा कि जो सारे जो पार्टिकल्स हैं वो हाइड्रेट नहीं हो पाएंगे। इसको हम जो है डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर एडेड इन सीमेंट टू पेनिट्रेट द विकेट प्लंजर अप टू अ डेप्थ ऑफ 5 to 7 mm from the bottom of the wicket mold or 33 to 35 mm from top of the wicket mold। हम जो है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट, फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए जो एपरेटस यूज करते हैं वो होता है विकेट एपरेटस, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो विकेट टेस्ट में जब हम कंसिस्टेंसी अगर हम निकाल रहे हैं तो वी यूज प्लंजर। तो ये जो प्लंजर है ये वो जो पेस्ट जो होता है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का जो पेस्ट होता है उसमें ये जो प्लंजर है ये कितना पेनिट्रेट होना चाहिए, अगर बॉटम से देखें तो 5 to 7 mm फ्रॉम बॉटम, और अगर टॉप से देखें तो प्लंजर शुड पेनिट्रेट अप टू 33 to 35 mm फ्रॉम टॉप। तो वो जो वाटर की जो क्वांटिटी होगी वो होती है वो जो वाटर की क्वांटिटी है वो हमको स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी पेस्ट देगी। इस पिक्चर में आप विकेट एपरेटस देख रहे हैं जिसका आप फ्रंट व्यू और साइड व्यू और इसके जो है डिफरेंट एक्सेसरीज जो हमको जो है इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम और कंसिस्टेंसी को ज्ञात करने के लिए हम जो है काम में लेते हैं। विकेट एपरेटस में जैसा आप देख रहे हो एक फ्रेम है और इस फ्रेम के साथ जो है एक ग्रेजुएटेड स्केल या इंडिकेटर होता है जिसके थ्रू हम जो है रीडिंग्स, पेनिट्रेशन की रीडिंग्स को पढ़ते हैं कि कितना पेनिट्रेशन हुआ है। और जो है इस जो फ्रेम में एक जो है आप देख रहे हो ये मूवेबल रॉड है जिसका वेट है 300 ग्राम। इस मूवेबल रॉड के साथ जो है हम तीन तरह के अटैचमेंट्स काम में ले लेते हैं, जैसे प्लंजर जो कि कंसिस्टेंसी को निकालने के लिए काम में आता है, इनिशियल सेटिंग टाइम को निकालने के लिए जो है एक 1 mm square नीडल को काम में लेते हैं, इसी तरह से आप यहाँ पे जो है एक और जो है नीडल देख रहे हैं जो कि हम फाइनल सेटिंग टाइम को निकालने के लिए काम में लेते हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो और इसको जो है हम क्या करते हैं, एक ये जो नीचे मोल्ड दिख रहा है जिसका जिसकी हाइट है 40 mm और डाया है 80 mm, इस मोल्ड के अंदर जो है हम सीमेंट पेस्ट को फिल करते हैं, जो सीमेंट पेस्ट हम बनाते हैं। और ये जो मोल्ड है ये बेस जो है इस बेस के ऊपर रखा जाता है, बेस के साथ ग्लास प्लेट होती है और ग्लास प्लेट पे हम इस मोल्ड को रखते हैं और इस मोल्ड के साथ जो है फिर हम इस सीमेंट पेस्ट फिल करके मोल्ड में और जो है इसको मूविंग रॉड को जो है हम जो है स्लाइड करते हैं, ऊपर से छोड़ते हैं और उससे जो है पेनिट्रेशन हम निकालते हैं किसके थ्रू, जो ये फ्रेम पे इंडिकेटर लगा हुआ है।
Now we will discuss the procedure of determining the standard consistency of cement. ठीक है, तो इसके लिए जो हम apparatus लेते हैं वो होगा weighing balance of 1000 gram with accuracy 1 gram, measuring cylinder होगा, wicket apparatus जो अभी हमने last slide में discuss किया है, wicket mold होगा, glass plate होगी, एंड इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है जो हम प्लंजर काम में लेते हैं वो होता है 10 mm डायमीटर और 50 mm हाइट का, एंड देन हैंड ट्रवल। तो हम कैसे इसको डिटरमिन करेंगे, कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले हम 400 ग्राम सीमेंट लेंगे और उसको जो है एक बॉल या ट्रे में ले लेंगे, और सपोज जो कंसिस्टेंसी होती है वो नॉर्मल कंसिस्टेंसी 28-30% के अराउंड होती है। तो हम ये अज्यूम करते हुए कि इस सीमेंट की जो कंसिस्टेंसी है वो अराउंड 28% है, तो हम कुछ जो है इस रेंज में वाटर की क्वांटिटी ऐड करते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं, और जो है इसको थरली जो है 3-5 मिनट तक मिक्स करते हैं। ये टाइम जो है गेजिंग टाइम होता है, ये 3-5 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हमने ये जो सीमेंट पेस्ट बनाई है इसको विकेट मोल्ड में हम डालते हैं और एक्स्ट्रा पेस्ट को जो है रिमूव कर देते हैं। ओके, उसके बाद हम जो है विकेट मोल्ड को जो है उसमें विकेट जो एपरेटस है उसके ऊपर बेस प्लेट पे ग्लास प्लेट लगा के और उसके ऊपर रख देते हैं, और जो मूवेबल रॉड है उसके साथ हम अटैच करते हैं प्लंजर। प्लंजर का डाया कितना होता है, 10 mm डाया। ये जो सरफेस को टच करना चाहिए उस वक्त उसमें जो रीडिंग है वो 0 होगी। अब हम इसको जो है धीरे से छोड़ते हैं, रिलीज कर देते हैं प्लंजर को, और ये जो है मोल्ड के अंदर सिंक होने लगता है। तो हमको उस पेनिट्रेशन को जो है नोट करना होता है, तो हमको पेनिट्रेशन को नोट तब तक हम जो है ट्रायल लेंगे जब तक ये जो प्लंजर है इसका जो पेनिट्रेशन है वो बॉटम से जो है 5-7 mm ना हो जाए। तो वो रीडिंग हमको, वो जो वाटर की जो क्वांटिटी है, जब ये जो प्लंजर है ये कितना पेनिट्रेट कर जाए मोल्ड के अंदर 5-7 mm फ्रॉम बॉटम, उस क्वांटिटी को हम जो है नोट करेंगे, और वो क्वांटिटी होगी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए रिक्वायर्ड वाटर की क्वांटिटी।